बड़वानी से नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले विस्थापितों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विस्थापन के मुद्दे पर बात करने की करी मांग, कहा आज भी लोगों का नहीं हुआ विस्थापन, सरकार कहती है पुनर्वास पूरा हो गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम घनश्याम धनगर को ज्ञापन सौंपा है। एनबीए की नेत्री मेधा पाटकर ने पुनर्वास के मुद्दे पर सरकार द्वारा दी जा रही जानकारी को भ्रामक बताते हुए कहा कि आज भी कई लोग हैं जिनका पुनर्वास नहीं है, आज भी कई लोग हैं जिनका विस्थापन पूरी तरह नहीं हुआ है, किसी को प्लाट नहीं मिला तो किसी की राशि अभी भी अटके पड़ी है। मेधा पाटकर ने कहा कि मछुआरों को उनका अधिकार नहीं मिला, कई लोग आज भी टीन शेड में जीवन गुजार रहे हैं, कई लोगों के खेत के रास्ते बंद हैं, फिर सामने बारिश है और सरकार कहती है पुनर्वास हो गया। मेधा पाटकर ने कहा कि पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है, अधिकारियों को हटा दिया गया है, एसडीएम को पुनर्वास के काम सौंप दिए गए हैं लेकिन उनके पास समय नहीं, कभी वैक्सीन तो अब पंचायत चुनाव है। साथ ही कहा कि आचार संहिता के साथ साथ विचार संहिता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि विचार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं का पुनर्वास को तरस रहे हैं, जिनको पात्रता है वो भी भटक रहे हैं। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को बताया जा रहा है कि संपूर्ण पुनर्वास हो गया है जो गलत है। मेधा पाटकर ने कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 2017 जैसे हालात बना रही है सरकार और हमें फिर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आप जो बातें कर सकते हो आम जनता सब नहीं कर सकती, और जो आपका समाज वो सबका समाज नहीं है। आपको प्रभार दिया तो ये बहुत महत्व की है कि हमारे साथ हम भी गांव-गांव के प्रतिनिधि जो सरदार सरोवर से विस्थापित मछुआरे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और हमारे बहन भाई यहाँ हाजिर हैं। आचार संहिता से ऊपर होती है विचार संहिता, और अगर विचार में संविधान का पालन नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ट्रिब्यूनल का फैसला, पुनर्वास की नीति के तमाम आदेश इनका पालन नहीं हो रहा है और फिर बारिश द्वार में खड़ी है, तो हमारे जो लोग पुनर्वास के पूरे लाभ नहीं पाए हैं, वो चाहे पहाड़ी के हो चाहे मैदानी निमाड़ के हो, उनको आज लड़ने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। आज एक एक माँ का चेहरा देखिए आप, कुछ को रेशन अभी तक नहीं मिलता है, और जहाँ तीन शेड में 3-4 साल से पड़े हैं वहाँ पानी और बिजली नहीं चलती है, लेकिन जो मछुआरे हैं उनको जलाशय का हक नहीं मिला है, जिनकी खेती टापू की हो गई है उनको रास्ते बन के नहीं मिले हैं, आज जिनकी पात्रता है उनको घर प्लॉट मिलना बाकी है तो उसके साथ मकान बनाने का अनुदान बाकी है। कितने सारे मुद्दे हैं, मुद्दा एक ही है कि पुनर्वास खत्म हुआ है, जीरो बैलेंस है, ये 2009 से बताते आई सरकार, हास्यास्पद रहा क्योंकि उसके बाद उनको हजारों को घर प्लॉट देने पड़े, वसाहतें बनानी पड़ी, लेकिन अभी भी उन्होंने जो जवाब दिया है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को हमने भेजे हुए फैक्ट शीट को, उसमें फिर से वो बता रहे हैं कि जीरो बैलेंस बताना सही था, और ये भी बता रहे हैं कि 7,000 से अधिक अर्जियाँ प्रलंबित है शिकायत निवारण प्राधिकरण में, ये भी बता रहे हैं कि उसमें से 4,000 का जवाब प्रतिवेदन उन्होंने दिया है, बाकी का बाकी है, और जो प्रतिवेदन दिया है उस पर भी निर्णय बाकी है। ये भी बता रहे हैं हिम्मत से कि टीन शेड में रहने वाले सब अपात्र हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने टीन शेड का पूरा सर्वे करके आज हम पूरी सूचियाँ लेकर आए हैं कि टीन शेड में रहने वाले किसको घर अर्जित करने के बाद, मुआवजा देने के बाद, पात्र घोषित होने के बाद भी घर प्लॉट नहीं मिला है, या 5,80,000 मिल गए घर बांधने के लिए लेकिन प्लॉट नहीं मिला है। सब कुछ जो गड़बड़ियां हैं वो है भ्रष्टाचार के तहत, लेकिन आज मध्य प्रदेश सरकार और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने दिल्ली की बैठकों में जो कहना चालू किया है कि पुनर्वास पूरा हुआ है और अब एग्जिट पॉलिसी यानी निकल जाओ, उसकी शुरुआत इन्होंने पुनर्वास अधिकारियों को हटा कर की है और जिम्मेदारी पूरी एसडीएम यानी अनुविभागीय अधिकारियों पर डाली है, और हर अनुविभागीय अधिकारी का कहना है हमको तो वैक्सीनेशन, हमको तो इलेक्शन, ये सब में काम दिया गया है तो हम पुनर्वास का कार्य कैसे चलेंगे, और कई सारी फाइलें इंदौर में पड़ी है, कई सारी भोपाल में पड़ी है, ये कब तक चलेगा? 2017 के जैसा संघर्ष पर क्या हमको फिर से उतारना पड़ेगा? और डूब आई तब जिनको खींचकर निकाला, पंचनामे बनाए प्रभादीर दलों ने, उन्होंने क्या घोषित नहीं करना चाहिए था?
खबर भारत वर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।